नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। टेक ट्रिक्स में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जियो का जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही स्लो आ रहा है। दोस्तों, इस स्पीड को आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फिर दोस्तों, अगर आप लोगों को जियो का इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रोज़ रोज़ नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो फिर दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आपका मोबाइल है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला, तो दोस्तों आप सिंपली चले जाइए फ़ोन डायलर पर, जा कर के आप सिंपली टाइप कर दीजिए *#*#4636#*#*#। डायल करने के बाद आपके पास ये मेनू खुल के आएगा। देखिए, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। आपने सिम कहाँ पर लगाया है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पे लगाया हूँ इसलिए 1 पे चला जाता हूँ। जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, एक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है जियो 4G, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इस ऑप्शन पे चले जाइए। जाने के बाद यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा LTE ओनली। देखिए LTE ओनली चूज़ कर लिया तो डाटा कनेक्शन चला गया था, फिर से डाटा कनेक्शन वोल्टेज जो है चला आया। तो दोस्तों इसको करने के बाद आप मोबाइल को रिबूट कर लीजिए। अगर आपका प्रोसेसर है MediaTek का तो फिर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सिंपली चले जाइए प्ले स्टोर पर, जा कर के आप लिख दीजिए 4636, आप सर्च करवा लीजिए। देखिए पहले वाला जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आपका प्रोसेसर MediaTek का है तो ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वाला पहले वाला ट्रिक ही काम करेगा। दोस्तों यहाँ से इस मेनू पर चले जाइए, जाने के बाद फ़ोन इन्फॉर्मेशन फील्ड पर फिर से जाइए। जाने के बाद यहाँ से वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, अगर आपका फ़ोन है MediaTek का और आपका फ़ोन है स्नैपड्रैगन का तो फ़ोन डायलर से ही कर सकते हैं। तो आप अपने फ़ोन को क्या कर दीजिए, रिबूट। मैं अपना फ़ोन को कर रहा हूँ रिबूट, देखिए। तो फिर दोस्तों देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है रिबूट हो रहा है। तो फिर दोस्तों देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है रिबूट हो गया। तो अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कितना स्पीड अब दे रहा है। तो फिर टेस्ट पिंग देख सकते हैं, स्पीड जो है 35, 36, देख सकते हैं 40 के ऊपर चला गया, 44 आ गया। देख सकते स्पीड जो है बड़ा ही इंक्रीज हो गया, बहुत ही अच्छा स्पीड दे रहा है। तो देख सकते हैं अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, डाउनलोडिंग स्पीड है 44.96 और अपलोडिंग स्पीड है 3.4। तो ये जो स्पीड है बहुत ही अच्छा स्पीड है। तो अब मैं आपको डाउनलोड करके कुछ दिखा देता हूँ इसी ब्राउज़र से। चला जाता है उसी ब्राउज़र पर, मैंने दो डाउनलोड पहले ही लगा दिया था, इसको मैं फिर से प्ले कर देता हूँ। देखिए डाउनलोड जो है शुरू हो गया है। देखिए डाउनलोड का स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पीड दे रहा है। तो फिर दोस्तों देख सकते हैं मेरा जियो का जो इंटरनेट स्पीड था बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो इस प्रोसेस से आप अपना जियो का जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए एक फाइल डाउनलोड भी हो गया और दूसरा फाइल भी डाउनलोड हो गया। तो फिर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो।